चैनल दिस इज परुल। हैप्पी दिवाली टू माय यूट्यूब फैमिली। आज की जो मेरी वीडियो है दिवाली व्लॉग। दिवाली हो और शॉपिंग ना हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है। आई डोंट नो आप लोग को ऐसा फील होता है या नहीं, बट दिवाली में मुझे एक अलग ही वाइब्स आती है दिवाली के पहले से ही। एंड वेदर और एनवायरमेंट में भी एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है, बहुत माइल्ड से और अच्छी सी फ्रेग्रेंस आने लगती है, ऐसा मैंने फील किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बार, मुझे हमेशा और आई थिंक बचपन से ही मुझे ऐसा फील होता है कि वेदर में अलग ही चेंज हो जाता है, एनवायरमेंट में अलग ही फ्रेग्रेंस आ जाती है। मेरा सबसे अच्छा फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली। सो इतनी सारी शॉपिंग करी है मैंने दिवाली के लिए, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, अपने सुंदर से घर को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए। सो लेट्स सी हम कैसे इसको डेकोरेट करेंगे, और ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने दिवाली डेकोरेशन के लिए बहुत सारे सामान मंगाया है। इस बार मैंने ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करी है बजाय मार्केट के, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर और मे बी लास्ट ईयर मैं मार्केट गई थी, मार्केट से ऑलमोस्ट मैंने सामान परचेज किया था, बट इस बार मैंने ऑलमोस्ट अमेज़न से सामान मंगाया है एंड मीशो से सामान मंगाया है। सो लेट्स सी कि मैंने क्या क्या मंगाया है दिवाली डेकोरेशन के लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने अमेज़न से मंगाया है और ये हमारा, आप इसको टी लाइट बोल सकते हो, टी लाइट स्टैंड और कैंडल स्टैंड बोल सकते हो। मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, क्लासी, इसके लुक भी बहुत क्लासी है। आप इसको टेबल पे लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। सो इसके साथ कैंडल भी आई है, आप देख सकते हो ये कैंडल है, प्लस कैंडल का स्टैंड भी है, ये ग्लास स्टैंड है एंड कैंडल है। सो आप इसमें इस कैंडल के अलावा आप नॉर्मल कैंडल्स भी लगा सकते हैं। सी ये नॉर्मल एक टी कैंडल दी है इन्होंने, आप इसमें बड़ी कैंडल भी लगा सकते हैं, पिलर कैंडल्स भी लगा सकते हैं। मैं इसमें पिलर कैंडल्स लगाऊंगी क्योंकि पिलर कैंडल ही इसमें ज्यादा विजिबल होगी। आप इसको ऐसे वापस से मैं इसमें डालूंगी एंड पिलर कैंडल लगाऊंगी, वो बहुत अच्छी दिखेगी इसके साथ पिलर कैंडल। तो मैं इसको डेकोरेट करूंगी। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या चीज कहाँ डेकोरेट करूंगी, सिर्फ मैंने सामान मैंने बहुत सारा मंगा के रखा है। सो वन बाय वन मैं आप लोग को दिखाती रहूंगी। तो नेक्स्ट मैंने ये भी अमेज़न से मंगाया है, इसमें क्या है देखते हैं। ओह वाओ, स्टार लाइट, ये मेरी स्टार लाइट से तो बहुत टाइम से मंगाना चाह रही थी। बाहर मैंने लास्ट ईयर में पता किया था, मुझे इतनी कॉस्टली लगी थी। अब इसका प्राइस मुझे सीरियसली बताऊं मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने ये अभी नहीं मंगाया, ये आई थिंक मैंने जुलाई में मंगाया था। नॉर्मली शूट के लिए मंगाया था, बट जब से मैंने इसको यूज ही नहीं किया, क्योंकि मैंने तब दूसरी लाइट्स मंगा ली थी, वो मे बी बल्ब टाइप की लाइट्स थी, वो बल्ब छोटे छोटे मिनी बल्ब बने थे, वो वाली लाइट्स मैंने मंगा रखी थी, तो मैं तब वो यूज कर रही थी। तो अब फिर मैंने उसके बाद ये मंगाया था, बट मुझे यूज करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैं उसके साथ ही बहुत सारे शूट कर चुकी थी। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो वो लाइट्स, और ये अब मैं दिवाली पे यूज करूंगी। और सेकेंड मैंने ये लाइट मंगाई थी, ये मैंने फ्लावर लाइट्स मंगाई है, बहुत क्यूट है, मैंने अभी तक जला के नहीं देखी है, ऑन करके नहीं देखी। ये स्टार लाइट और ये दोनों ही लाइट मैंने जुलाई में ऑर्डर करी थी, ये मैंने अभी ऑर्डर नहीं करी थी, मैंने नॉर्मली शूट्स के लिए मंगाई थी, बट अब यूज करके देखेंगे, होपफुली ऑन हो जाए। नेक्स्ट ये मैंने मंगाई है एलईडी दिया, स्मोकलेस कैंडल्स, एलईडी दिया स्मोकलेस कैंडल, ये 12 पीस है। ये आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप लोग को डेकोरेशन का बहुत शौक है, अगर आप लोग को कोजी कॉर्नर्स बनाने का बहुत शौक है, तो आपके पास होनी चाहिए। सो ये कैसे वर्क करेगी लेट मी चेक। यहाँ पे एक ऑन और ऑफ का छोटा सा बटन है, मिनी बटन, एंड आप देख सकते हो ये ऑन हो गई है, कितनी क्यूट है। ये स्मोकलेस है, आप कितनी बार भी चलिए, बैटरी ऑपरेटेड है, अगर ये बैटरी खराब भी हो जाए या ऑफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप न्यू बैटरी इसमें डाल सकते हैं। सो आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये टी लाइट का पूरा पैक मंगाया है, इससे टी लाइट कैंडल्स, वैक्स टी लाइट कैंडल्स, अनसेंटेड है ये, आप देख सकते हो इसमें वैक्स टी लाइट कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स हैं इसमें, और ये 100 पीसेस है।
पूरे 100 पीसेस हैं। और भी बहुत अच्छी चीज है, क्यूट क्यूट से लैम्प लालटेन, लालटेन बोलते हैं इसको, यस लालटेन, क्यूट से मैंने लालटेन मंगाया है। एक रेड कलर का है ये और एक ब्लैक कलर का, बहुत क्यूट है सीरियसली। ब्लैक एंड रेड, ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है सो और ये मैंने स्पेशली अपने रूम के लिए मंगाया था। अभी तो मैं फिलहाल दिवाली पर डेकोरेट करूंगी, उसके बाद मैं इसको अपने रूम में ट्रांसफर कर लूंगी, क्योंकि मेरे जो रूम का इंटीरियर है, जो मेरा बेड है, जो मेरे फर्नीचर है वो टीक कलर के हैं और जो मेरा बेड है वो ब्लैक कलर का है, सो मैंने ये रेड एंड ब्लैक मंगाया है। नाउ आप लोग खुद ही सोच रहे होंगे कितना सामान मंगाया है मैंने, स्मॉल पिलर कैंडल्स। मुझे कैंडल्स का बहुत शौक है, एक्चुअली मुझे डेकोरेशन का ही बहुत शौक है एंड आई लव कोजी कॉर्नर्स एंड छोटे छोटे स्पेसेस पे आप कैसे डेकोरेट कर सकते हो छोटे छोटे एरियाज को, मुझे ऐसे डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने कैंडल्स एंड लाइट्स बहुत सारी मंगाई है, सो हम देखेंगे कैसे कैसे इसको डेकोरेट करेंगे। ये मैंने लीव्स मंगाई थी, ये मेरी पुराने लीव्स है, ये आपने मेरे बहुत सारे शूट्स में देखी होगी, YouTube पे भी और Instagram पे भी आपने शायद बहुत देखी होगी, अगर आपने देखा है तो, नहीं देखा तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। सो इसको मैं पुरानी लीव्स को ही यूज करूंगी और ये भी मैंने Amazon से मंगाई थी, मैंने इतना जितना भी सामान दिखाया है अभी तक सब कुछ Amazon से मंगाया है। और ये भी मेरे पुराना कंटेनर, ये मेरी अनसेंटेड पिलर कैंडल्स हैं, बड़ी वाली कैंडल्स हैं ये, या इसमें कुछ कुछ मैंने जला रखी थी। और ये मेरी कुछ कुछ फ्रेश है, ये पिलर कैंडल है, वो वाली मेरी स्मॉल पिलर कैंडल थी, ये उनसे बड़ी और इससे भी बड़ी आती है, तो मैंने इससे भी बड़ी मंगा रखी है, बट वो अभी डिस्पैच हुई है, डिलीवर नहीं हुई है, वो सेंटेड कैंडल्स है, ये अनसेंटेड कैंडल्स है। अभी जाइए नहीं, अभी बहुत सामान बचा है। नाउ अब आप ये क्यूट सी टेबल देख रहे होंगे, ये क्यूट मेरी क्यूट सी टेबल देख रहे होंगे, ये मैंने मीशो से मंगाई थी, मैंने अब तक का जो सामान दिखाया वो सारा अमेज़न का था एंड ये मीशो से मंगाई, ये एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल इन द सेंस आप कहीं भी इसको फोल्ड करके रख सकते हैं, बहुत ही क्यूट है। लेट्स सी इस पे हम क्या डेकोरेट करते हैं और कैसे करते हैं। मीशो से मैंने एक सेंटर स्टूल मंगाया है, बहुत ही क्यूट है, जस्ट लाइक अ बॉल, बच्चों को इससे बहुत मजा आने वाला है और वैसे भी मैं इस पे भी कुछ डेकोरेट ही करूंगी, सो देखते हैं मैं इसका कैसे यूज करती हूँ। रुकिए रुकिए, अभी भी एक चीज है, ये मेरे लास्ट ईयर के फ्लावर्स है जो मैंने लास्ट ईयर व्लॉग बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट जाके जो मैंने फ्लावर्स लिए थे, ये वो सारे फ्लावर्स हैं मेरे, इनको मैंने लास्ट ईयर जो व्लॉग बनाया था उसमें आप देख सकते हैं मैंने कैसे डेकोरेट किया था। मैंने इस बार न्यू फ्लावर्स नहीं लिए हैं क्योंकि मैं इन्हीं को यूज करने वाली हूँ इस बार भी। मैंने आप सबको ये सारा सामान दिखाया, इतना सारा सामान मैंने लिया है, तो अभी इतना सामान है, जितना सामान आया है उसे से हम डेकोरेट करेंगे। बट
जा करके आप लोगों ने देखा ही होगा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरी डेकोरेशन का आइडियाज भी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।